भाई भाई, उसका प्रचार किया भाई। वीके थॉमस भाई और हिंदुस्तानी भाव की बहुत बढ़िया भाई, इनके कैप के नाम पे वो ऐप थी, हिंदुस्तानी भाव ने नाना कैप के बारे में प्रमोशन की थी, बाद में उन्होंने ये अपनी स्टेटमेंट दी कि हमें इस ऐप के बारे में हमें नहीं पता था कि इस धर्म के बारे में ऐसे ऐप जुए की ऐप नहीं चलती। तो उन्होंने कहा था कि यार लाइक वी आर फ्रेंड्स, जब कोविड का टाइम था, जब पेंडेमिक का टाइम था, तो हमने सबने लंगर मिलके बांटा था, तो हमारे दिल में कुछ ऐसा मलाल नहीं था कभी भी, बट हमने जो भी किया अनजाने में किया, तो हमारी तरफ से हमने कभी भी उनको ऐसे नहीं किया कह था दिया। ऐड, उनको ऐड किया था, वो नहीं आए, हो उनको सकता है ऐड नहीं, किया था, वो नहीं आए। विक्की, नो डोंट वरी, विक्की भाई नीचे ही बैठे हैं, मेरी मेरी उनसे पहले ही बात हुई थी, उनको पता है इस चीज के बारे में। वो पंजाब के बहुत बड़े एक सूरवीर योद्धा है, वो बहुत ही प्यारे और अच्छे हमारे प्यारे भाई है। और विक्की भाई ने मेरे को आप ये भी बोला था कि एक बार उनसे बात कर लेना, नहीं तो मैं अब जाके बात कर लूंगा। अच्छा, ये आ गए हैं। सत श्री अकाल पाजी, सत श्री अकाल, वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की हाँ, फतेह। कोई गाली बेनती है वाहिगुरु, कोई नहीं गाली देंगे नहीं भाई, देगा वाहिगुरु, बाबा जी गाली नहीं देंगे, ठीक है। दिल से रिक्वेस्ट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये मैं सुन रहा हूँ, ये लाइव में सुन रहा हूँ, ये लाइव में देख रहा हूँ वाहिगुरु। ये शेखर चाल हिंदू वाहिगुरु लिखा हुआ है, मानस की जात सब एक है पहचान वो, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 14 जंगे लड़े वाहिगुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने 9 साल की उम्र में कटाशीश देखा गुरु तेग बहादुर जी का वाहिगुरु, कश्मीरी पंडितों के लिए। ये वीर जिन्होंने मेरे को ऐड किया वाहिगुरु, आपने कहा आप पंडित हो वाहिगुरु, ब्राह्मण हो, जी कहा ना हाँ हाँ जी, मैं वाहिगुरु। ब्राह्मण हूँ। तो मेरे को एक सवाल पूछना है वाहिगुरु, ये लाइव में मेरे को एक सवाल पूछना है वाहिगुरु, मैं दिल से जय रिस्पेक्ट श्री करता हूँ, जय माता, श्री महाकाल, हर 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 महादेव। महादेव वाहिगुरु। ये जो पोस्ट है, इसका मतलब क्या है? ये जो पोस्ट है, ये जो डाला हुआ है, इसका मतलब क्या है वाहिगुरु? ये ओ जितने शिट मैन, वर्दी है, ये वर्दी किनका है? ये ना ना भारत ना आर्मी, भारत आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन भाई साहब, नेवी, इंडियन एयर फोर्स, और एक मिनट, बॉर्डर पे कभी जाओ ना, जरा पुंज में जाओ कभी, वहां पर लिखा रहेगा, देश शिवा बर मोए शुभ कर मन ते कब हो न डरो। अपने डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के, वो भी क्या शब्द किनका सुनते, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का। सब एक है ना, अलग क्यों सही कर रहे बात, यार? क्षत्रिय के पोतो ब्राह्मण को नहीं, महाराज ने 14 जंगे लड़े वाहिगुरु, तो हम उस चीज को क्यों तोड़ रहे? बाबे नानक जी का लंगर कभी डिवाइड नहीं करते, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कुछ नहीं, चार द्वार रखे, सब इक्वलिटी में बैठ के सकते। पीएम भी अगर वो थाली में खाएगा तो एक किसान भी खाएगा। आज ये अलग अलग क्यों कर रहा है? और ये दिल्ली में कहाँ रहता है वाहिगुरु? मेरे को हाँ मिले एक मिलने बार, शेखर मैं भी दिल्ली में से ही हूँ। कहाँ भाई को मिलने भाई। नहीं, और ये जो पोस्ट है, आपने जो पोस्ट दिखाई थी, वाकई यार ये बिल्कुल निंदा के लायक है। ये पोस्ट, ऐसी पोस्ट कभी भी नहीं करनी चाहिए किसी भी इंसान को। ये निंदा नहीं, इसे देखो बाद में क्या होएगा, सुनो सुनो सुनो, बाद में क्या होएगा, जब हम इसे मिलेंगे ना, इसके पास जवाब नहीं रहेगा, तो हमको ना बेइज्जत नहीं करना है उसे, चलो चुपचाप ये पोस्ट डिलीट कर दो, क्योंकि ये वर्दी के लिए ना शहादत होता है। जी किसके लिए लड़ता है? इंडिया की मिट्टी के लिए, इंडिया की मिट्टी के लिए लड़ता है। चलो वो अब आज बात की बात अलग है कि आज डिवाइड एंड नेशन में चल रहा है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये स्थान चाहिए, हमें वो स्थान चाहिए। नहीं, ये भारत, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी जगह पे कोई स्थान नहीं मेंशन किया हुआ है, ये भारत है। तीन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, ये इंडियन भारत में लिखा हुआ है, तो ये स्थान वन वो फॉरगेट इट, वो बात अलग है। लेकिन ये खाकी, एक सिख दस्तार, और कितना पर्सन इंडियन आर्मी में और कितना पर्सन इंडियन एयरफोर्स और नेवी में, कितना पर्सन सिख के मालूम है वाइग्रो? इंफॉर्मेशन है कुछ? किसके लिए ड्यूटी करते? ताकि हम सब सुकून से सोए। किसके लिए ड्यूटी करते? ताकि एक बच्चा स्कूल सही सलामत जाए और वो सही सलामत आए। और क्या हो रहा है ये कंट्री में, क्या चल रहा है? और रही बात, इतना ही है तो तीन काले कानून भी थे, वापस क्यों लिए? किनके वजह से लिए? पांच बॉर्डर है ना दिल्ली में, जब घेरे थे ना,
तब जाके तीन काले कानून भी वापिस लिए। ना जिद करो वाहिगुरु, खालसा है जिंदा दीवार में चिनवा दिए लेकिन शीश नहीं झुकाए किधर, तो क्यों जिद करने का वाहिगुरु? सब अमर शांति से एकदम खुशियां में रहो यार। मैं जब मत्था टेकने गया था महाकाल मंदिर में, लोगों ने क्या नहीं बोला मेरे को, कितने सिंगों ने ही बोला मेरे को कि ये पत्थर पूजा करता है, मैं उनकी भी नहीं सुनता, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से ना। हाँ अमृत छकने के बाद मैं जा नहीं सकता, लेकिन मंदिर का हिफाजत करना मेरा फर्ज है, हिफाजत करना मेरा फर्ज है, उसको बचाना मेरा। महाराज ने क्यों अपने पिता का शहादत दिया ना, धर्म रक्षक। उसी जगह पे अगर कोई हिंदू के जगह पे मुस्लिम भी रहता वो टाइम पे, अगर हिंदू पावर में रहता तो महाराज वो मुस्लिम को भी बचाते, महाराज ने जात पात धर्म नहीं देखा। हाँ कभी नहीं भाई, पता क्या हम लोगों में ना, तो मेरा हिंदू और सिख एकता जिंदाबाद थी, स्टार्टिंग से ही जिंदाबाद ही है, और पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में गणपति का त्योहार आता है, सब एक होके नीचे बैठते साथ में खेलते गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ये हम लोग एक फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, दिवाली एंजॉय करेंगे हम, ईद एंजॉय करेंगे हम, क्रिसमस एंजॉय करेंगे हम, सब इक्वालिटी में क्यों नहीं रह सकते यार? एक ही वर्ल्ड में कंट्री रहेगा, सेकुलर पॉलिटिक्स मत इंडिया भाई। तेरे को किसी बात से प्रॉब्लम है ना तो भाई उस बंदे का नाम लेके बात कर, उस स्पेसिफिक बंदे। अरे यार तू पूरे धर्म भाई, पूरी इंडियन आर्मी के लोगों को इसने टारगेट कर दिया पनोड़ी भाई, गिरो इंसान भाई, समझ रहे हो? देखो क्या पोस्ट लगा रहा है, सारे पगड़ीधारी से क्या उम्र रहेगा इसका? वीर 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 इसका उम्र क्या रहेगा जो इतना आज कमेंट कर रहा है, ये फोटो डाल रहा है, तो उम्र क्या रहेगा अंदाज? 30-35 साल का। देखो इधर देख, 23 साल का भगत सिंह किसके लिए शहीद होता है, कहां पे बॉम्ब फेंकता है। इतिहास तगड़ा है वाहिगुरु सिखों का, खालसा पंथ चार मोए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, 1,25,000 है ना, 40 ने ना, 10,00,000 जो नीच फौज है ना जिन्होंने झूठी कुरान शरीफ की ओत खाया था उनको उनकी औकात दिखाया। चमकौर साहिब 1704, इतिहास तगड़ा है आनंदपुर साहिब, किला खाली हुआ लेकिन आया बाबा बंदा सिंह बहादुर, आया खालसा राज स्थापित हुआ, खालसा राज हा, खालसा राज हाँ। जो बाणी में लिखा है राज करेगा रहना भाई। मैं आपको अभी खालसा के बारे में बात बता देता हूँ, जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, गिराव इंसान भाई, पनोड़ी भाई, आपको भी मैं एक चीज बता देता हूँ। स्थान जैसे आपने कभी सुना कि हिंदू इंडिया का नाम हिंदुस्तान क्यों है, इंडिया को हंदका स्थान भी बोलते हैं। विक्की भाई आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इंडिया को हंदका स्थान भी बोलते हैं, इंडियन लोगों को हमको हंदिक भी बोलते हैं। और एक चीज और बताता हूँ आपको मैं, पारसकास्तान, पर्शिया, ईरान एक कंट्री है जिसको बोलते हैं पर्शिया, पुराना नाम था पर्शिया, उसको बोलते हैं पारसकास्तान, जहां पर पर्शियन लोग रहते हैं। हिंदकास्तान, हंदकास्तान, हिंदुस्तान, जहां पर हिंदू लोग रहते हैं, हंदिक लोग रहते हैं, ठीक है। खालिस्तान, खालसास्तान, खालसा कौन है भाई, गुरु गोविंद सिंह जी तो बनाया। पंजाब एक खालिस्तान है, खालसा स्थान है, जहां पे खालसा रहता है। खालसा किसको बोलते हैं, सिख आर्मी, खालिस आर्मी, खाल, तो इसमें गलत क्या है यार? खालसा तो पूरे वर्ल्ड में, हाँ ये मैं मानता हूँ गलत हुआ तिरंगे के साथ, वो गलत है, इंसल्ट हुआ है, मानता हूँ बहुत गलत है भाई, जो हमें कंट्री में रहते हैं हमेशा एक बात याद रखना, हम अपने ये जो वीडियो है, हेलो, ये इतना भक्ति दिखाने की क्या जरूरत है, इतना भक्ति मत दिखा, मानता हूँ दिल में। अच्छा मेरे पास शेखर चहल का कॉल आया है, मेरे पास शेखर चहल का कॉल आया है, वो ऐड होने के लिए बोल रहे हैं। ऐड ऐड बुला बुला, वेलकम सुपी भाई, आप दो मिनट नीचे बैठेंगे? मैं जा रहा हूँ, सुपी भाई को बैठाओ, मैं जा रहा हूँ, सुपी भाई आप बैठो। ओके सूफी, कोई गाली नहीं देना वीर, गाली मत दीजिएगा, कोई भी एक दूसरे को गाली मत दीजिएगा। ना ना बेफिकर, ऐड करो, थोड़ा चीजें पूछ लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ भाई, जय महाकाल, कोई ऐसी बात नहीं है भाई, हिंदू सिख एकता जिंदाबाद भाई, ठीक है। धर्मों का बंटवारा नहीं हो रहा है यहाँ पे, हाँ कभी नहीं होगा भाई, होगा भी नहीं ना कभी, पॉलिटिशियंस नहीं है ना, होगा भी नहीं, हमें रोटी नहीं, पुरातन हिस्ट्री है के नाम पे रोटी नहीं सेकी।
शेखर भाई आप किस आईडी से हो, अपनी आईडी का नाम कमेंट करो। सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कत मरे कबू ना छाड़े खेत। समझ रहे हो ना मेरी बात? सूरवीर वही है जो अपने जो गौ गरीब की रक्षा करे। बाबा बताओ भाई क्या कह रहे हो आप, ये बताओ। आप इनसे बात करिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। सुनो सुनो पाजी, जो आपने पोस्ट डाली वो उन्होंने दिखाया। चुप हो जाओ सुबी भाई, चुप हो जाओ। तुम्हारा तो रोज का काम है 1000 रुपए गाली पकने का। शांत होकर बैठ जाओ तुम, मेडिकली ठीक है, बात करने दो। आप लोग आपस में बहुत अच्छे से बात करिए, बात करने के लिए बुलाया गया है सबको, आपस में अच्छे से बात करिए। कोई सिर्फ तुम्हारी बकवास चल रही है, तुम्हारी बकवास जो सबसे झूठ बोले जा रहे हो, इस चक्कर में लाइव आया हूँ। ये तो रात को लाइव नहीं आता मैं, ठीक है, हमारे काम नहीं है रात को। आठ कुछ छुट्टियां फालतू की पाजी, एक मिनट अच्छा, जाओ शेखर भाई, शेखर भाई आप जूफी भाई से बात मत करिए, बिक्की भाई से बात करिए। बिक्की भाई से बात करिए, बिक्की भाई, बिक्की भाई एक पोस्ट दिखा दो इसमें। सुनो सुनो सुनो, एक पोस्ट दिखा दो इसमें हिंदू अपना सिख भाई के लिए गलत लिखा हो। नीचे जाके पोस्ट देखना क्या लिख रखा है, सिख हिंदू भाई भाई। सुनो सुनो सुनो, सिख हिंदू भाई भाई खालिस्तानी पाकिस्तानी कसाई। देखो पोस्ट के अंदर क्या लिख रखा है, तो गलत क्या लिख रखा है उसने पंजाब सरकार के। सुनो सुनो, पंजाब सरकार आज खुलेआम विरोध कर रही है, जो खुलेआम पंजाब सरकार आज खुलकर सपोर्ट उसके विरोध में उतरी हुई है, सबको वहां पर अरेस्ट कर रही है, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठा रहे गलत है तो वो लोग बताइए भाई। यार एक बात बताओ, अगर वो खुलकर सरकार विरोध कर रही है और लोग विरोध कर रहे हैं तो गलत क्या है? यहाँ बैठ के झूठ बोले जा रहा है भाई, जब से बैठा बैठा हवाबाजी करे जा रहे हैं, ये वो फलाना ठिकना अकड़म सकड़म पकड़म पता नहीं क्या बकवास कर जा रहे हैं। अरे भाई कुछ तो शर्म कर ले यार, झूठ बोले जा रहे बकवास करना। सिखों के बारे में कब गलत क्या है? तो भाई सुन, सिखों के बारे में गलत कब कहा है बताइयो। कुछ मत बोल सूफी, ले सूफी मैं तेरे बाद में बोलूंगा, तू बोल ले। हाँ मैं जितना बोलना तू बोल, बोल मैं चुप हो गया। मैं चुप हो गया, बोलो जवाब देने चुप हो गया, बोलो विक्की भाई को जवाब। मैं चुप बोल, बोलो मैं चुप हो गया, बोलो शेखर जी, शेखर जी, शेखर जी मैं चुप, बोलो बोलो शेखर जी, बोलो बोलो मैं कुछ। ये जो फोटो डाला हुआ है ये सब आप प्रूफ करो, ये खालिस्तान क्या लिखा हुआ है? सुनो सुनो क्या लिखा हुआ है, सुनो 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 ये क्या लिखा है, सुनो क्या है सारा समझो कि बात सुनो। चार हाँ हाँ चवन्नी, एक मिनट में समझदार, चार समझ गए। सुनो सुनो सुनो, आप भी समझदार समझ गए, सब कुछ समझ, बेवकूफ नहीं हो आप भी। सिख धर्म के लिए काम कर रहे हो, जिनके लिए लिखा है उनके लिए मैंने लिखा है, खुल के लिखा भाई, गलत नहीं लिखा मैंने किसी के लिए। जी जी सुनो 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 भाई, मेरी बोलिए ध्यान से। आप बोल रहे हो, मैं स्पीड में नहीं बोल रहा, गुस्सा इस बात का आ रहा है कि मैंने सिख धर्म के बारे में कुछ बोला नहीं है, कुछ गलत कहा नहीं है, तो हवाबाजी कैसे कर रहे हैं बैठ के जब से लोग यहाँ पर? हवाबाजी नहीं कर रहे, हक की बात कर रहे हैं। हमारा काम है हवाबाजी करने, सुनो सुनो, तुम इंस्टाग्राम के हवाबाज हो, सबके सबसे बड़े हवाबाज हो, कुछ नहीं हो तुम, ठीक है? इंस्टाग्राम के हवाबाज हो और कुछ नहीं है, इंस्टाग्राम के हवाबाज हो, तुम्हें ना देश से मतलब ना किसी चीज से मतलब, बहन चुप हवाबाजी, बस हवाबाजी, ठीक है और कुछ नहीं है। रुको तो सही, सबर तो करो, मेरी बात सुन, गाली नहीं तेरा भाई काम यही है, दांत सुन दो घूंट मार के। सुन पाजी आपसे नहीं कह रहा मैं, सुनो सुनो नीचे से कह रहा हूँ, जो दो घूंट मार के कभी किसी की माँ को नंगा करो, कभी किसी बहन को नंगा करो, तुम्हारा काम यही है। बताने के लिए नहीं बुलाया गया, अभी जो मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे पे बात करिए। हाँ तो मुद्दे बात करो, मुद्दे पे सुनो, मुझे गाली पकने से पहले सुनो, मुझे सुनो सुनो, मुझे गाली बकने से पहले पंजाब सरकार के खिलाफ, सुनो मुझे गाली बकने से पहले पंजाब सरकार को बोलो, केजरीवाल को बोलो, खुलकर उनका विरोध करो, खुलकर उनको जाकर हवाबाज कैमरा ऑन कर तेरा। अरे सुने सुने, सारा दिन कैमरा ऑन करके बैठता हूँ, रात को तेरे चक्कर भारा के बात बोल रहा हूँ, हवाबाज तेरे से बड़ा हवाबाज कोई दुनिया में है ही नहीं, मेरी बात को चिंता मत कर। अरे दिखा ले यार, दिखा ले जी, देख मौत तो सबकी आनी है एक दिन, सुन मौत तो सबकी आनी है एक दिन, जिस दिन आनी होगी सबकी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम अपने देश और धर्म के लिए, और अपने देश और धर्म के लिए गलत नहीं सुनूंगा। सूफी भाई, सूफी भाई अभी आप आए थे, ये करेंगे सूफी भाई अभी आप आए थे, जिसको मारना होगा, सुनो सुनो सूफी भाई आए थे तो आपने बोला था कि सूफी भाई को बोलने दीजिए, तो अभी इनको बात करने दीजिए कि क्या बात है। आप बात बात करिए बिक्की भाई और शेखर भाई, आप सूफी भाई के बारे में किसी और लाइफ में बात करिएगा, बिक्की भाई से बात करिए। सूफी अगर इतना दर्द हो रहा है भाई, तो पंजाब सरकार की माँ बहने करते जाकर, जो तो भगवत मान को गाली बक रहा, खुलकर वीडियो बना के गाली बक, भगवत मान को, केजरीवाल को गाली बक, खुलकर बक, क्या दिक्कत आ रही है? बकना गालियां खुलकर क्यों नहीं बना के डाल वीडियो, डर लग रहा बनाते वीडियो डालने में तेरे को, पंजाब सरकार के खिलाफ बना के डालना वीडियो भाई। अगर तू मुझे बोल रहा है मैं शेखर ये कर रहा है वो कर रहा है, सिखों का मान कर रहा है, भाई सिखों का मान तू कर रहा है, तो 1000 रुपए के बकवास कर, झूठा आरोप लगा रहा है बिना बात के। सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कत मरे कबू ना छाड़े खेत। कुछ नहीं होने वाला, ओ नकली इंसान जो देश पे खड़ा होकर लड़ता है,
देश के लिए शहीद होता है सिख होता है, जो तिरंगे का अपमान नहीं करता, जो तिरंगे का अपमान करता है सिख होता है क्या? वहां पर इंडिया का फ्लैग को फाड़ दिया गया लंदन के अंदर और अपना अमेरिका के अंदर इंडियन एम्बेसी पे हमला कर दिया गया, वो तिरंगे का अपमान करने लग रहे हैं क्या? तू लंदन की क्या जो लंदन अमेरिका में एम्बेसी के ऊपर हमारे तिरंगे का अपमान करे, तिरंगे को फाड़ रहे हैं, तिरंगे को पैरों के नीचे कुचल रहे हैं, सिख है क्या? अरे जो सिख वो है जो लंदन एम्बेसी के खड़े हैं, दिल्ली के सुनो असली सिख वो है, असली सिख वो है जिनके साथ हमने कल जाकर ब्रिटिश एम्बेसी के बाहर जाकर दिल्ली में प्रदर्शन करा था तिरंगा लेके हाथों के अंदर, वो असली सिख है। सूफी अगर तू मुझे कुछ मानता है तो कुछ नहीं भाई, ये सुनो पाजी सुनो, इनका रोज का काम है दारू पी के बकवास करने का और कुछ काम नहीं है इनका। सुन बताओ, अब मैं तेरे से बात कर रहा हूँ थोड़ा, बताओ वीर तेरे से बात कर रहा हूँ थोड़ा, मेरे को इसका जवाब दे, ये इंसल्ट नहीं है, इसमें गूगल में है ये फोटो, ये गूगल में ये एक ऐप भाई गूगल में, तो इस चीज में कितनी कर लो तुमने लाल, अगर ये चीज दिखाने पे आओगे सुनो अगर ये चीज दिखाने पे आओगे लाल किले के ऊपर हमारे बेचारी लेडीज पुलिस वालों को जिनको कहते अपना किसान का बच्चा जवान का बच्चा, जब वो तलवारों से ऊपर जब हमला करा जा रहा था लाल किले के ऊपर, वो क्या करा जा रहा था भाई मेरे, वो भी तो गलत था ना वहां पर चढ़ के जो हो रहा था भाई, गलत चीज